जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रितेश पर। और आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप अपने सपने में पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई कोई भी सपना देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। यानी कि आज हम इस वीडियो में पीपल के पेड़ से जुड़े हुए विभिन्न सपनों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यह बात हम स्वप्न शास्त्र के माध्यम से जानेंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, यदि आप पीपल का पेड़ सपने में देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सपने में पीपल का पेड़ देखना, इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में आपकी सभी समस्याएं खत्म होने वाली है और आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली होने वाली है। दूसरा, अगर आप सपने में पीपल के पत्ते को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य जाग उठने वाला है, यानी कि आपको कहीं से धन प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अतिशीघ्र निवारण होगी, यानी कि चल रही परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तीसरा, अगर आप अपने सपने में एक साथ कई सारे पीपल के पेड़ को देख रहे हैं तो यह आपको नौकरी में आपकी तरक्की मिलने के योग बता रहे हैं। वहीं व्यापार में इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। चौथा, अगर आप सपने में खुद को पीपल के पेड़ को पानी में देते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है, भगवान आपसे प्रसन्न है और आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है। पांचवा, सपने में अगर आप खुद को पीपल का पेड़ काटते हुए देखते हैं तो यह सपना अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना व्यापार में नुकसान और आर्थिक तंगी की ओर इशारा करते हैं। छठा, अगर आप सपने में खुद को पीपल के पेड़ पर चढ़ता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है और आपकी अपनी मेहनत से सभी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। सातवां, यदि आप खुद को सपने में पीपल के पेड़ से नीचे उतरते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप असफल होने वाले हैं, आपके हाथ में कुछ निराशा लग सकती है। आठवां, यदि आप अपने सपने में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो इस प्रकार से ये थे पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई सारी सपनों का रहस्य या उसका मतलब, जो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो जय श्री कृष्णा, और साथ ही साथ शनि देव की जय अवश्य लिखें। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों।